हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। वो है मटर वाले चने वाली चाट, जो कि मार्केट में मिलती है। हम जब भी मार्केट जाते हैं तब हमें मिलता है, तो आज मैंने सोचा कि ये घर पे ट्राई करें, तो मैंने इसको घर पे बनाया है। ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत यम्मी है। इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको डिटेल से पूरे स्टार्टिंग से बताऊँगी। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ या किसी मेले में जाती हूँ तो इसे ज़रूर खाती हूँ। इसका चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इसे घर पे ही ट्राई करती हूँ। आज सबको बना के खिलाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ये है मटर वाले चने, इसको मैंने पूरी रात भिगो कर रखे थे। अब आप भिगोए हुए चने को कुकर में डाल दीजिए और कम से कम 2 लीटर पानी ऐड कर दीजिए, और आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर दीजिए, और 2-3 हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए, और कुकर को बंद कर दीजिए और 3-4 सीटी आने तक इसको धीमी आंच में पकाते रहिए। ये देखिए हमारा चना पूरी अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो चुका है, यू कैन सी। आपको भी सेम ऐसे ही बॉइल कर लेना है। अब आप एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें 2-3 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दीजिए। अगर आप रिफाइन ऑयल खाते हैं तो आप रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मुझे सरसों का तेल पसंद है, इसलिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। अब आप इसमें 1 सूखी मिर्च ऐड करिए, 1 तेज़पत्ता ऐड कर दीजिए, और 2 चम्मच इसमें जीरा, साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। मैंने 3-4 लहसुन की कलियां भी ऐड किया है, इससे क्या होता है, इससे ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब आपको बारीक प्याज ऐड करना है, अनियन, ये मैंने बारीक काट रखे हैं अनियन को, इसको मैंने ऐड कर दिया। इसको आप धीमी आंच में अच्छे से पका लीजिए। इसमें आप 1 प्याज का पेस्ट ऐड कर दीजिए और साथ में 1-2 हरी मिर्च। अब आपको इसमें लहसुन अदरक जीरा का मैंने एक पेस्ट बनाया है, मैंने उसको ऐड किया है। ये देखिए मैंने लहसुन जीरा अदरक का पेस्ट बनाया है, इसी पेस्ट को आप इस पे ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसे पका लीजिए, जब तक कि इसमें हल्की हल्की ऑयल ऊपर की ओर ना आ जाए। अब ऑयल ऊपर की ओर आ चुका है, अब इसमें आप 1 चम्मच धनिया का पाउडर ऐड कर दीजिए। एक एक करके सारे मसाले ऐड करिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 2 चम्मच के करीब आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए। दो चम्मच नमक ऐड कर दीजिए स्वाद अनुसार।
फूल पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे।